हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक्नोटो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा वीडियो का अभी तक, तो ये वीडियो होने वाले TVS Fiaro 125। जी हाँ, TVS अपनी नई 125 CC की बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा शानदार है, दिखने के मामले में तो बहुत अच्छी है। पावर और परफॉर्मेंस भी इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि TVS की बात करूँ तो TVS के जो इंजन टाइप होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। TVS की बहुत सारी फेमस बाइक है इंडियन मार्केट के अंदर, जैसे कि अपाचे है, RR 310 है, ये दोनों बाइकें बहुत ज़्यादा बिकती हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि जो इनकी लुक्स है और इनकी जो पावर है और जो इनकी जो प्राइसिंग है, उसमें जितने सारे इस बाइक में फीचर्स आपको मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते यार। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि TVS की जो फरेरो होने वाली है 125, उसमें भी आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है TVS ना फीचर्स देने के मामले में कभी भी कमी नहीं करता, अपनी बाइक हो या अपनी स्कूटी हो, उन सब में फीचर्स फुल्ली लोडेड देता है। तो इस बाइक की अगर मैं बात करती हूँ, मैं आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट 125 CC का देखने को मिलेगा। इसमें फ्रंट ब्रेक में आपको डिस्क देखने के लिए मिलेगा, आपको रियर में ड्रम देखने के लिए मिलेगा। इसका जो बॉडी टाइप होने वाला है वो कम्यूटर बाइक का होने वाला है। अगर मैं इसकी कूलिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपको एयर कूल देखने के लिए मिलेगा। ड्राइव टाइप आपको इसमें चेन ड्राइव देखने के लिए मिलेगी। इसका जो फ्यूल सप्लाई होने वाला है वो आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने मिलेगा। इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने मिलेगा। और जो कि इसका इमिशन स्टैंडर्ड होने वाला है आपको आपको BS6 देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल बाइक के अभी तक ज़्यादा फीचर्स रिवील नहीं हुए, बस हाँ इसकी जो लुक्स है वो रिवील हो चुकी है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको इसका जो क्लस्टर है वो आपको कलरफुल क्लस्टर देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको एक कलरफुल स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, जिसमें जितना मुझे लगता है कि यार TVS अपनी स्कूटी तक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रहा है, तो शायद आपको इस बाइक में अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी। 125 CC की बाइक के अंदर एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बाइक आपको 70-80,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे देखने के लिए मिलेगी। 125 CC के लिए बहुत जेन्युइन प्राइस और काफ़ी ज़्यादा अच्छा। इसका जो इंडियन मार्केट में अभी का जो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है वो है पल्सर NS 125। जी हाँ, पल्सर की NS 125 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। बट उसके अंदर जितने अगर जैसे कि लग रहा है कि TVS अपनी बाइकों में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स देता है, अगर इसके अंदर वो सारे फीचर्स आ गए तो शायद वो उसे बीट कर देगी, क्योंकि TVS की जो पावर होती है, इंजन पावर भी वो भी अच्छी होती है, प्लस जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है इसकी बाइक से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यार, अगर आप दिवाली पे कोई नई बाइक लेने की सोच रहे हो और आपका बजट सिर्फ कम है और उसको आपको 125 CC तक की बाइक लेनी है, तो आप इस बाइक को ले सकते हो। बाइक सेप्टेम्बर एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और इस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इसकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो ये आपको फेस्टिव सीजन से पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि TVS इसे सितंबर एंड में ही लॉन्च कर देगा, यही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रखी है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। ओवरऑल मैंने इसके आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को इतने एंड तक देखा। बाकी चैनल पे नए हो तो यार सच्ची यार फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आने का। बाकी वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड थैंक यू सो मच। टेक्नोटो चैनल पर बने रहिएगा।